हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इट्स मी बर्थडे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो फ्रेंड्स, अभी 11 बजने वाले हैं। मैं बहुत लेट से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ, बट अभी नहाऊंगी और फिर मैं दिन में जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी देखना। और अगर आपको भी मुझे बर्थडे विश करना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट्स पर भी लिख सकते हो आप हैप्पी बर्थडे। तो अभी मैं नहाने जाऊंगी। देखो, अभी मैं डोटी हाल गंदी हो गई, पूरा नहाने जाऊंगी। आज संडे है मेरा, पूरा स्कूल स्कूल कहीं नहीं जाना बट आज। और आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे बर्थडे विश किसने किया? मेरी बेस्ट फ्रेंड अदिति ने मुझे सबसे पहले बर्थडे विश किया। उसके बाद मम्मा ने, क्योंकि हम सो गई थी और उसने मुझे 12 रात ही को कर दिया था बर्थडे विश। और मम्मा ने सुबह किया था और उसके बाद पापा ने। तो अभी मैं नाश्ता कर ली हूँ और पेट पूरा फुल हो गया। और मैंने नाश्ता में किया रोटी और वो भी मैदा का पराठा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो देखो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और फ्रेंड्स देखो साइमन भी आई है। तो देखो फ्रेंड्स, साइमन भी आई है, थैंक यू। तो ये लेट कर दी आने में। क्यों इतना लेट? क्योंकि मैं नाश्ता कर रही थी और ऊपर से मुझे नहाना भी था, मैं नहा के आई हूँ। तो फ्रेंड्स ने भी विश कर दिया, तो मैं नहा चुकी, ये भी नहा चुकी है। देखो फ्रेंड्स, रात को फिर केक कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, पता नहीं, कट भी सकता है नहीं भी, पर ज़्यादा चांस नहीं कटने का क्योंकि हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे घर में इतने सारे गाँच हैं जो मैं लगाया, इतने सारे बड़ा हो गया, इसलिए मैं ज़्यादातर मैं वीडियो या पिक्स या वीडियो जो रहा है गाँच के नीचे रहता है। बहुत अच्छा दिखता है, इतने सारे सारे बड़े हुए हैं, आप देख ही सकते हो। मैंने भी मुझे विश किया तो हैप्पी बर्थडे। उसने लेट, उससे नहाने में लेट हो गया था तो इसलिए लेट से आई। अभी 2 बज रहा है फ्रेंड्स, तो मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं, पेट रहते भूख लग रहा है। तो देखते हैं कब तो खाते हैं और मुझे बहुत मज़ा आया। तो शाम को देखते क्या होता है, फिलहाल अभी तो मैं नॉर्मली बैठे हो, तो मिलते हैं आपसे दिन में। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मुझे खाना खाने का मन नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा खा लिया था, दाल चावल और क्या था, हाँ अंडा आलू था, खा लिया था थोड़ा सा। अब हम लोग शाम को कुछ अच्छा खाएंगे, दिन में नॉर्मली शाम को कुछ खाएंगे अच्छा सा, तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखो अभी बारिश हो रही है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको सुनना। आई सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक शेयर कर दो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो फ्रेंड्स आप। और आप लोग बुरा मत मानना, मैं बहुत दिन से नहीं बना रही थी। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरी तबीयत ख़राब था और ध्यान देते, एग्ज़ाम भी आ गया था बीच में, अभी फिर से है, बट कोई नहीं, उस टाइम ही मैं डालूँगी। सो फ्रेंड्स, शाम को देखते क्या खाती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको और शाम से, ओके। और मेरा ड्रेस आप देखो कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से साइमन से मिलाती हूँ, रुको एक सेकेंड। तो देखो फ्रेंड्स, साइमन आ गई है, बहुत दिन बाद आई है ये। क्यों इतने दिन बाद? क्योंकि स्कूल इतने दिन से जाती हूँ, तुम नहीं जाती हो क्या स्कूल? इसलिए फ्रेंड मैं भी नहीं बना पाती हूँ, इसलिए ये भी नहीं आती, मैं ही नहीं रहूँगी तो ये क्या करेगी आके। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि इसके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखो, साइमन बोल रही थी आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ओके। फ्रेंड, आज शारा का बर्थडे है, तो आप लोग ढेर सारा कमेंट पे इसको हैप्पी बर्थडे दे दो। मेरे घर वाले इतने इसको हैप्पी बर्थडे किए, पर ये तो खुशी नहीं है, बोल रही है कि मुझे तो कोई हैप्पी बर्थडे किया ही नहीं है। हमारे घर में शाद आया है और देखिए शारा क्या करती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैं सारे के पास आ गई हूँ, तो यहाँ पर शाद भी आया है। देखो फ्रेंड्स, छोटा सा बाबू है, ये भी मुझे विश करने आया है। देखो इधर, इसे देखना ही नहीं है फ्रेंड्स, देखो क्यूट सा बच्चा है, इसे पत्ता तोड़ने का लगा है, देख लो आप, दिखा दो इसे सामने, देखो इसे पत्ता तोड़ने का लगा, इसे पत्ता तोड़ने का लगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, आपने देखा ना, मैं उसे वापस कर दी क्योंकि वो खाली पत्ता तोड़ रहा है, खा रहा है,
जो कि इसे नहीं खाना है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नानी के घर। देखो, नानी के घर में आई हुई हूँ। आपने मेरे गोइंग टू कज़न वीडियो में होमापी को तो देखा ही होगा, उन्हीं के घर आई हुई हूँ। तो अभी होमापी आएंगी, वो कहीं गई हुई है। बस रास्ते ही में हमने उन्हें फ़ोन कर दिया तो वो आएंगी, तो फिर आएंगी तो आप लोग देख लेना उन्हें भी। अगर भूल चुके होंगे तो फिर से देख लेना, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, बताना कमेंट पे किसको किसको अपने नानी घर बहुत पसंद है। और अगर मुझसे पूछो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं है छोटा छोटा, मतलब मेरे एज का रहता है ना, मैं उसके साथ खेलूँ। यहाँ पे इधर आओ तो मम्मी बोलती है बड़े के साथ नहीं रहो, और उधर चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। सो इसलिए फ्रेंड्स, मुझे नानी घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिसको जिसको पसंद है वो कमेंट में ज़रूर लिख देना। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग बर्थडे विश कर देना मुझे कमेंट में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे बर्थडे में मेरी होमापी ने मेरे लिए मंगाया था टॉप, देखो ये वाला। तो ये छोटा हो गया, आप देख सकते हो छोटा हो गया ये। आप हाथ भी देख सकते हो, इसलिए एक्सचेंज हो रहा, तो सॉरी चेंज हो गया ये गिफ्ट। देखो छोटा हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड, और ये वाला भी देख सकते हैं आप छोटा हो रहा है, तो इसलिए मैं चेंज कर दे रही हूँ, सॉरी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही लो कितना छोटा है, 1 और 2, बस 2 हैंड का है। बहुत छोटा है, अच्छा दिख रहा है, बट छोटा है तो नहीं ले सकती हूँ। और ये इसका पैकेट, तो इसमें वापस से डाल के रीचेंज करा। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि होमापी आएगी तो ले जाएगी, देखो वो वापस करा देगी। और हम लोग जा रहे हैं मॉल, और वहाँ पे कुछ खाएंगे भी, और चेंज करा लेंगे ड्रेस या दूसरा ले लेंगे। तो आप लोग भी चलो मेरे साथ। ओके, देखो आप फिर से देख लो, हम लोग जा रहे हैं फिर से वापस, दूसरा ड्रेस ले लेंगे। वो छोटा हो गया था, आपने तो देखा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको मॉल में। 1999 की खरीदारी करने पर आपको अपने बर्थडे के ड्रेस लेने जा रहे हैं व्यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, होमापी लेके जा रही है मुझे, तो थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, फाइनली हमने ये होमापी में लिया शूज, क्योंकि उनका टूट गया था, मैंने आपको बताया था। और ये मैंने लिया एक टॉप और एक जींस, मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से, अभी देख लो वैसे ही, क्योंकि जगह नहीं हो रहा। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ, मैंने आपको अपना ड्रेस नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगी। और थैंक यू सो मच होमापी, जो इतना अच्छा ड्रेस मुझे ले दी, थैंक यू। तो अब मैं खाना खाऊंगी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, और फिर सो जाऊंगी। तो यहीं पे मेरा बर्थडे समाप्त करता है, मैं आपको खाना दिखा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, चिकन बिरयानी खाऊंगी आज। देखो मिलती हूँ मैं आपको खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं खाना खा ली और पेट पूरा फुल हो गया। तो मेरा बर्थडे आज का बहुत अच्छा गया, और मैंने खाया और शॉपिंग वॉपिंग किया, और बाहर भी घूमने गई। हाँ, केक नहीं काटा, क्योंकि नहीं काटते हम लोग, तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में भी आप बर्थडे ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं।